का बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले आदानी एंटरप्राइज लिमिटेड शेयर के बारे में। जैसे कि 2200 रुपये का टारगेट मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था और मैंने बोला ही था कि 1800 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और उस सपोर्ट को रेस्पेक्ट दिया है जैसा मैंने बोला था। और स्टॉक में आपको चार्ट में सीधा सीधा वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारा एनालिसिस के बाद मैं ये बताता हूँ दोस्तों। जैसे चार्ट में देख सकते हो कि एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है, जो आपका 1900 का जो फ्रेश ब्रेकआउट था वो ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में दे दिया है अदानी ग्रुप ने। अदानी एंटरप्राइज अभी आपका 2200 रुपये टारगेट के लिए पूरा तैयार है और बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ये फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। और ये जो ब्रेकआउट है आपको 2200 रुपये का टारगेट बहुत जल्दी बहुत ही क्विक देखने को मिलेगा। और ऊपर से देख सकते हो कि जो ये रेड जो लाइन गया हुआ है ये 13 डेज DMA का है और आपका 48 डेज EMA जब भी मैच होगा तो एक गोल्डन क्रॉसओवर होगा, तो और भी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगा और तेज़ी बनता हुआ दिखेगा। और बहुत दिनों के बाद ये क्रॉसओवर होने वाला है, तो आप लोग इसीलिए मैं इसका टारगेट 2200 रुपये का दिया हुआ था और बहुत ही जल्द आपको एक बहुत ही तगड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है अदानी एंटरप्राइज में। तो इसीलिए चार्ट एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताया जा रहा है कि इसीलिए आपको पहले ही बोला था कि 1800 के आसपास आप बाई कर सकते हो। जैसे कि ये 1790 पे गया हुआ था तो 1790 पे भी आप बाई कर सकते थे जो मेरे वीडियो रेगुलर बेसिस वॉच करते हो। तो अभी टारगेट वही रहेगा, 2200 रुपये का इनिशियल टारगेट रहने वाला है दोस्तों। और 2100 रुपये का टारगेट बहुत ही नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ये टारगेट अचीव हो सकता है और सब कुछ सही रहा तो। अभी चलिए देख लेते हैं अदानी एंटरप्राइज में क्या क्या न्यूज़ आया है। देख सकते हो कि बिजनेस पोर्ट मैनेजमेंट रोड शिपयार्ड इंस्टॉलेशन वाटर डाटा सेंटर सोलर मैन्युफैक्चरिंग एग्रो डिफेंस सारे सेक्टर में कामकाज करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो देख सकते हो कि अच्छा खासा 2,19,445 करोड़ के आसपास बहुत ही तगड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और डिविडेंड भी पे करता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 7.15% है। रिटर्न ऑन इक्विटी के देखा जाए तो ठीक ठाक है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद ये स्टॉक जो है अपना 52 हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, नहीं तो ये स्टॉक जो है अभी 4000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देता आपको। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत ही तगड़ा 4% के आसपास तेज़ी दिखाया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और सिर्फ ये हुआ है आपका जितने भी इंस्टॉलेशन और जो 800 मिलियन आपका लोन लेने वाला है तो उसमें आपको ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकसिंग देगा और ऊपर से इंस्टॉलेशन और पोर्ट शिपयार्ड री इंस्टॉलेशन करेगा, रिफॉर्मेशन करेगा और डेवलपमेंट करके अपना जो बिजनेस का एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इसीलिए स्टॉक में आपका अदानी के सारे स्टॉक में लगभग तेज़ी और 5% सर्किट लगने देखने को मिला है। जैसे कि अदानी पावर में देख सकते हो 5% का सर्किट लग गया था। तो ऐसे ही आपका जितने भी एनर्जी और जितने भी आपका ग्रीन आपका सेक्टर है तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि 800 मिलियन आपका जो 800 मिलियन का जो लोन है ये कम नहीं होता है दोस्तों। तो बहुत ही तेज़ी अभी भी रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका रोड शो करने के बाद बहुत ज़्यादा बिजनेस जो फॉरेन फर्म है जो फॉरेन बिजनेस फर्म है वो लोग और भी अट्रैक्टिव हुआ है अदानी ग्रुप के ऊपर, अदानी के बिजनेस मॉडल के ऊपर। कैश फ्लो बिजनेस है और बहुत ही तगड़ा बिजनेस सेगमेंट है, इसलिए ये स्टॉक और भी आपको आगे आने वाले दिनों में और भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और इतना दिन कंसोलिडेशन के बाद चार्ट में ब्रेकआउट दिया है तो एक अच्छा खासा मूव यहाँ से देखने को आराम से मिल सकता है। ग्रोथ के मामले में एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग भी नहीं है, मतलब ओवरबॉट जोन में है नहीं। और देख सकते हो कि अच्छा खासा आपका रेवेन्यू कलेक्शन ठीक ठाक हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त 2022 में रहा है, 70,000 करोड़ मतलब 70,000 करोड़ का आपका हुआ है। प्रोमोटर ने थोड़ा सा माल डिक्रीज़ किया है होल्डिंग और उसको आपका FII भर के माल उठा लिया है, लो प्लेस्ड प्रोमोटर होल्डिंग है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अदानी एंटरप्राइज देख सकते हो कि अबव 1800 के ऊपर चला गया, तो अदानी के न्यूज़ को आपका अदानी स्टॉक को यहाँ करंट न्यूज़ में भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में भी स्टॉक टू वॉच और जंप में देखने को मिल रहा है। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं। जैसे कि देख सकते हो कि अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% और 7% आपका अच्छा खासा आपका 4% के आसपास तेज़ी दिखाया था।
और सबसे बड़ी बात है कि देख सकते हो कि बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्सेस में अदानी का बहुत ही तगड़ा आपका एक जंप देखने को मिला है और भिक्स ड्रॉप हुआ है। इसी वजह से आपका और भी ज़्यादा आपको ट्रेडिंग में और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस देखने को मिला है। ऊपर से आपको लोन भी मिल रहा है और भी इंस्टॉलेशन काम और रीडेवलपमेंट करेगा तो और भी ज़्यादा आपको अर्निंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा स्टॉक में। तो बहुत ही तगड़ा आपका यहाँ से और भी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी और ग्रोइंग एपेटाइट है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक बन सकता है और भी आने वाले टाइम पे। तो अभी चलते हैं कि एनालिसिस, अभी भी 54% जो है अंडर वैल्यू में स्टॉक ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और टारगेट आपका 2200 रुपये ही रहने वाला है। बहुत ही जल्द बहुत ये टारगेट अचीव हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था कि मई लास्ट तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। और देख सकते हो कि धीरे धीरे नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड में आना शुरू हो गया है और अपना मार्केट लीडर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। और धीरे धीरे देख सकते हो कि फ्रेश ब्रेकआउट के बाद अभी ऊपर आसमान खुला है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 2100 के आसपास, और वो रेजिस्टेंस क्रॉस होते ही आपको एक अच्छा खासा जंप और भी देखने को मिल सकता है स्टॉक में। और बाकी ओवरबॉट जोन में अभी तक गया नहीं है तो घबराने का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपका टेक्निकली अभी भी ओवरबॉट जोन में है ही नहीं स्टॉक। तो टेक्निकली जब तक ओवरबॉट जोन में नहीं जाता है स्टॉक तो स्टॉक में अभी भी तेज़ी बना रहेगा। और देख लेते हैं कि RSI और MFI कितना है, उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो कि RSI है 58.5 और 70.2 है आपका, जस्ट MFI जो है ओवरबॉट जोन टच किया है, बाउंड्री लाइन में है और MACD ग्रीन हो गया है 9.5। तो यहाँ से बुलिश इंडिकेटर दिया है तो और भी ज़्यादा बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि MACD बुलिश हुआ है बहुत दिनों के बाद अदानी स्टॉक में। तो एक अच्छा खासा तेज़ी यहाँ से होल्डिंग करने के सलाह रहेगा और अच्छा खासा बाई करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप 20-30% का टारगेट आपको ईजिली अचीव हो सकता है बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अदानी स्टॉक में। आपका खास करके अदानी एंटरप्राइज में आपको ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो एक टारगेट अचीव होगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो एंड एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो आप ही के चैनल।